रुड़की, जहां पर कल से पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम बस्तर के दौरे पर रहेंगे। मां दंतेश्वरी के दर्शन से वो शुरुआत करेंगे और उपचुनाव की तैयारियों का भी वो जायजा लेंगे, साथ में कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे और उसके बाद कार्यकर्ताओं से संवाद भी करेंगे। कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने काम संभाल लिया है और काम संभालने के साथ ही मरकाम इन एक्शन हो गए हैं। बस्तर के दौरे पर जा रहे हैं और इसके अलावा आंदोलन की तारीखें भी घोषित कर दी हैं कि जिलेवार प्रदर्शन किए जाएंगे केंद्र की एनडीए सरकार के खिलाफ। छत्तीसगढ़ का कोटा जो घटाया गया है, जिस तरीके से भेदभाव किया जा रहा है, ऐसा मोहन मरकाम का आरोप है। कल से बस्तर के दौरे पे ये माना जाए कि शुरुआत हो चुकी है, उपचुनाव को लेकर के कांग्रेस जुट गई है। जी जरूर, सबसे पहले तो हम माँ दंतेश्वरी, जो हम सबकी आराध्य देवी है, उसका दर्शन करेंगे। उसके साथ साथ बस्तर में दो उपचुनाव होने हैं, चित्रकूट और दंतेवाड़ा में। उसकी रणनीति तय करने के लिए हम पहला दौरा बस्तर से कर रहे हैं। 5 दिन हम बस्तर में रहेंगे। उसके साथ साथ केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब से बनी है, छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, छत्तीसगढ़ के साथ भेदभाव कर रही है। पहले पीडीएस चावल की कटौती की, अभी केरोसिन कोटे में कटौती की है। माननीय सांसद रामविचार नेताम के प्रश्न में केंद्र सरकार का जवाब है कि छत्तीसगढ़ में लगभग 40,000 घरों में आज भी बिजली नहीं पहुंची है। ग्रामीण जन केरोसिन से दिया जलाते हैं, केरोसिन से बहुत ज्यादा अन्य कामों में उपयोग करते हैं। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार भेदभाव कर रही है। इसी के विरोध में हम 7 से 12 तारीख के बीच में पूरे जिला स्तर में हम धरना प्रदर्शन करेंगे। नहीं, लेकिन आपकी नई कार्यकारिणी तो है नहीं, तो फिर उसमें कैसे पुरानी कार्यकारिणी के साथ ही ये आंदोलन करेंगे? देखिए, जब तक नई कार्यकारिणी नहीं बन जाती, हम पुराने कार्यकारिणी से काम चलाएंगे और पूरा पुरानी कार्यकारिणी जो अनुभव है, उस अनुभव का हम फायदा लेंगे। और हमारे जितने भी जिलाध्यक्ष हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जितने भी पदाधिकारी हैं, उनके नेतृत्व में हर जिले में हम धरना प्रदर्शन करेंगे। एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि जब विधानसभा के चुनाव हुए तो बहुत सारी एक्सरसाइज कांग्रेस ने बूथ के लेवल पे की, जिसका फायदा उसको मिला। लोकसभा चुनाव में वो एक्सरसाइज हो नहीं पाई, तो दो उपचुनाव हैं, उसको लेकर के क्या सोच है आपकी, क्या रणनीति है, आखिर किस तरह से चित्रकूट और दंतेवाड़ा के खिलाफ फतह करेंगे आप? माननीय भूपेश बघेल जी, प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर पिछले 5 वर्षों में बूथ लेवल तक, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचकर संगठन को मजबूत किया, बूथ लेवल पर हमारे कार्यकर्ताओं को रिचार्ज किया। उसी की बदौलत संगठन एकजुट होकर हमने चुनाव लड़ा था, जिसमें 90 में हम 68 सीट जीत देते थे। लोकसभा में हमको आशातीत सफलता नहीं मिली, हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है आने वाला दोनों उपचुनाव और नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव। हम फिर से जिस ढंग से माननीय भूपेश बघेल जी जो हमको रास्ता दिखाया था संगठन को मजबूत करने का, हम फिर से उसी स्तर पर जाएंगे, बूथ लेवल पर जाएंगे। संगठन को और हमारे कार्यकर्ताओं को एकजुट करके हम उपचुनाव हम जीतने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बधाई। तो ये थे मोहन मरकाम, प्रदेश अध्यक्ष, जो कल से बस्तर के दौरे पर हैं और उसके बाद इनकी अगुवाई में कांग्रेस आंदोलन की शुरुआत करेगी। लेकिन इस बार निशाने पर रमन सिंह नहीं होंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। कैमरामैन शाम के साथ रायपुर से रुपेश गुप्ता। और ये देख